नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिप्सम फॉल सीलिंग की। इसमें हम 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आइटम लगते हैं, कौन से ब्रांड का और लोकल और किस क्वालिटी के मिलते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और घरों में और ऑफिसेज में अलग अलग कैसे लगाए जाते हैं, ये इसकी मेजरमेंट कैसे करी जाती है, इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, इसकी पैमाइश कैसे निकाली जाती है और इसका लेबर रेट कितना होता है और ये कहाँ पे मिलता है। मेरा नाम है सिद्धार्थ गुप्ता, यूनिडस एसोसिएट कीर्तिनगर से, दिल्ली से, और हम इन चीज़ों के बारे में आपको आज जानकारी देते हैं। तो पहले बात करते हैं आइटम के बारे में। इसमें 4 तरह के आइटम लगते हैं। एक तो हार्डवेयर लगता है, जैसे कि फास्टनर, कनेक्टिंग क्लिप, एल पत्ती, स्क्रू, गिट्टी, पेच। उसके बाद इसमें चैनल लगाए जाते हैं। 4 तरह के चैनल होते हैं, मेन, क्रॉस या सीलिंग सेक्शन, मेन या इंटर, पैरामीटर और सीलिंग एंगल। और इस पे फिर जिप्सम बोर्ड लगाया जाता है और जिप्सम बोर्ड को रोकने के लिए जिप्सम स्क्रू और उसको फिनिश करने के लिए टेप, फाइबर टेप या पेपर टेप और जॉइंट कंपाउंड, जो कि रेडीमेड या पाउडर फॉर्म में आता है। तो ये 4 तरह के आइटम लगाए जाते हैं। अब इसकी थोड़ी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। ये हार्डवेयर 2 से 3 रुपये स्क्वायर फुट पड़ता है। सारी कॉस्ट में आपको स्क्वायर फुट में बताऊँगा। तो 2 से 3 रुपये स्क्वायर फुट पड़ता है हार्डवेयर का कॉस्ट। 15-16 रुपया स्क्वायर फुट में आता है चैनल का कॉस्ट और 14 रुपये के आसपास आता है जिप्सम बोर्ड का कॉस्ट और 4 रुपये आता है लगभग जॉइंटिंग का कॉस्ट। तो 36 से 40 रुपये स्क्वायर फुट में, डिपेंड करता है आप कौन से शहर में हैं और कितना मटेरियल ले रहे हैं, लगभग 36 से 40 रुपये स्क्वायर फुट में इसका मटेरियल का कॉस्ट आता है। ये ब्रांड में आता है, एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जिप्रॉक और एक है USG बोरल। बाकी लोकल बोर्ड भी आते हैं, किसी किसी शहरों में इम्पोर्टेड बोर्ड भी आते हैं, तो वो क्वालिटी देख के लेना चाहिए कि वो बोर्ड का ठीक है, उसका स्ट्रेंथ ठीक है, वो बीच में से खोखला तो नहीं है, बेंड तो नहीं होएगा। पर ये जिप्रॉक और बोरल के बोर्ड काफ़ी सालों से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे बोर्ड हैं। ज़्यादा रेट का डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 1 रुपये स्क्वायर फुट का रेट का डिफरेंस पड़ता है अगर आप कोई बोर्ड और लगाते हैं तो। मेरी सलाह ये है कि वो बोर्ड अवॉइड करें, इन 2 कंपनियों के बोर्ड के साथ स्टिक करें। चैनल जो है वो इन कंपनियों का भी आता है और लोकल भी आता है। चैनल ज़्यादातर आप लोकल लगा सकते हैं अगर उसका वजन ठीक है, अगर उसका गेज ठीक है। तो 0.8 mm का अगर क्रॉस है, इंटर या मेन है, 0.5-0.45 mm का अगर आपका क्रॉस, पैरामीटर और एंगल है तो ये ठीक रहेगा। वजन में लगभग 1.5 kg का इंटर और सेक्शन होना चाहिए और 900 ग्राम से 1 kg के बीच में पैरामीटर और 500-550 ग्राम का सीलिंग एंगल होना चाहिए, तब आपकी सीलिंग कहीं नहीं जाएगी, हमने देखा है। हम लोग ये प्रोडक्ट्स लगभग 35 साल से बेच रहे हैं तो काफ़ी अनुभव है, इसलिए ये मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा जो हार्डवेयर है, फास्टनर ज़रूर लगाना चाहिए और कोई जुगाड़ नहीं करना चाहिए, अच्छा फास्टनर लगाना चाहिए, जिंक वाला फास्टनर लगाएं या पीले वाला फास्टनर लगाएं और उसके साथ एलपत्ती लगा के नट बोल्ट के साथ आप अपना एंगल लटका सकते हैं। तो ये उस और फिर जॉइंटिंग का सामान, तो जिप्सम स्क्रू यूज़ करना चाहिए, उसके साथ फाइबर टेप यूज़ करनी चाहिए अच्छे जॉइंट्स के लिए और ओरिजिनल कंपाउंड ही इन कंपनियों का यूज़ करना चाहिए, जिसमें से बेस्ट ऑप्शन है रेडीमेड कंपाउंड जो कि USG बोरल का आता है और वो किसी भी आप बोर्ड पे लगा सकते हैं। वो कंपाउंड बहुत ही स्मूथ होता है, पहले से मिला हुआ होता है, तो एकदम सेम कंसिस्टेंट सेम फिनिश मिलती है आपको पूरे में। बल्कि आप तो पूरी जिप्सम बोर्ड की सीलिंग करके 2 mm का पूरे पे कोट भी लगा देंगे तो आगे तक बहुत मदद करेगा, पेंट बहुत अच्छा उभर के आएगा, कहीं पर हेयर लाइन हल्के हल्के क्रैक्स नहीं आएंगे और अगर हल्की फुल्की डबक भी है ऊपर नीचे है तो वो कवर हो जाता है उसमें और पेंटर को बहुत आसानी होती है और फिनिश बहुत अच्छी बनी रहती है। तो वो रेडीमेड APJC बोलते हैं उसको, ऑल पर्पज जॉइंटिंग कंपाउंड रेडी मिक्स, वो आप यूज़ ज़रूर करें। अगर आज तक नहीं करा है तो एक बार यूज़ ज़रूर करें उसको। उसके बाद ये अलग अलग टाइप से, ये मैंने आपको बताया था प्लेन सीलिंग का कॉस्ट और लेबर कॉस्ट लगभग 15 से 20 रुपये स्क्वायर फुट आता है, डिपेंड करता है आप कौन से शहर में हैं। तो 36 से 40 रुपया
आपका मटेरियल कॉस्ट और 15 से 20 रुपया स्क्वायर फुट आपका लेबर का कॉस्ट, तो लगभग 50 से 60 रुपये स्क्वायर फुट आपका ये प्लेन सीलिंग का कॉस्ट आ जाता है। डिपेंड करता है आप कहाँ पे और कितना मटेरियल ले रहे हैं, ये प्लेन सीलिंग का है। इसके बाद लोग पसंद करते हैं कि डिज़ाइनर सीलिंग हो, स्टेप वाली सीलिंग होए, कोव्स होए, तो उसका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो या तो बैठ के आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि कौन कौन सी आइटम कितनी लगेगी, और जहाँ से आप माल खरीद रहे हैं वहाँ से रेट लेके टोटल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करके और लमसम में पैसे लीजिए क्लाइंट से, या अपनी कॉस्टिंग निकालिए, या फिर आप उसको डिवाइड करके स्क्वायर फुट में स्क्वायर फुट की कॉस्टिंग निकालिए। ये डेढ़ गुना, दो गुना, ढाई गुना, तीन गुना तक जा सकती है। तो जैसे कि कोव्स हैं जिसके अंदर से लाइट दिखाई देती है, या स्टेप्स हैं जहाँ पर स्टेप ले रहे हो आप और फिर स्टेप के बाद ग्रिड सीलिंग यूज़ कर रहे हो, या सिर्फ स्टेप ले रहे हो साइड्स के ऊपर, या बीच में बीम आ गई तो आप स्टेप ले रहे हो, या बीम को कवर करने के लिए आप कोव लगा के उसमें इनडायरेक्ट लाइटिंग, अंदर वाली लाइटिंग के लिए कोव बना रहे हो, या फिर आप क्लाउड्स बना रहे हो। आजकल अलग अलग लेवल्स पे फॉल सीलिंग करने लगे और बीच में क्लाउड्स बनाने लगे, उसके पीछे अलग अलग कलर की लाइटिंग डालने लगे, या उस क्लाउड को अलग कलर में करने लगे। तो डिज़ाइनर्स अलग अलग तरीके से सीलिंग्स बनवाना चाह रहे हैं, बहुत ही सुंदर निकल के आती है, बट कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उसमें वेस्टेज बहुत होती है, कटिंग बहुत होती है, लेबर दो गुना तीन गुना तक लग सकती है, टाइम बहुत लग सकता है, तो वो कॉस्टिंग पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी पैमाइश ज़्यादातर तो स्क्वायर फुट में होती है, जब ये बड़ी ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं तो कई बार हमें रनिंग फुट में भी इसकी कॉस्टिंग लेनी पड़ती है। तो कोव्स की कॉस्टिंग रनिंग फुट में लेनी चाहिए आपको, या क्लाउड्स की कॉस्टिंग है तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो रनिंग फुट में लीजिए या फिर लमसम में लीजिए, बट मार्जिन आपको अच्छा रखना चाहिए क्योंकि पता नहीं चलता काम ख़त्म होते होते और कितने खर्चे आ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मिलता कहाँ है। ये अलग अलग शहरों में मिलता है, इंडिया के लगभग हर शहर में जिप्सम बोर्ड कोई भी POP की दुकान पे आपको मिल जाएगा, और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें जितनी नॉलेज होएगी आपके शहर के बारे में तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि आपके शहर में पास में कहाँ पर मिलेगा। हमारी वहाँ ब्रांच होगी तो हम आपको बता देंगे क्या क्या कॉस्टिंग होगी और कहाँ से मिल सकता है, ताकि आप आराम से कंपेयर करके ये मटेरियल ले सकें। इसके अलावा GST जो सेल्स टैक्स है वो इस पे एक्स्ट्रा रहता है, 18% है इन सारी आइटम्स के ऊपर GST। भाड़ा ज़्यादा रहेगा, वो भी आपको ऐड करना चाहिए, जहाँ पर दुकान है वहाँ से आपकी साइट पर लेके जाने के लिए, साइट पर ऊपर चढ़ाने के लिए, तो वो आपको जोड़ना चाहिए, लगभग 1-2 रुपये स्क्वायर फुट हो सकता है। और सेल टैक्स का ऐसा है कि आप क्लाइंट के से डायरेक्टली बिलिंग करवा सकते हैं, तो क्लाइंट सीधा सेल टैक्स दे देंगे, या आप अपनी कॉस्टिंग में उसको जोड़ के चलिएगा। और इसके अलावा वेस्टेज, तो वो वेस्टेज का मैंने आपको बता दिया है, साइट के मेजरमेंट के हिसाब से बोर्ड का चैनल का जो वेस्टेज है वो आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो बेस्ट रहता है साइट को पहले मेजरमेंट करके और अपना मटेरियल का कॉस्ट तसल्ली से निकाल लीजिए पेपर के ऊपर ड्राइंग बना के, और या किसी की मदद लेके, आप हमसे मदद लेना चाहते हैं हम भी आपकी मदद कर सकते हैं कि ये कैसे होएगा, इसका कॉस्टिंग कैसे निकलेगा, या मैं एक और वीडियो बना दूंगा जहाँ पे हम डिटेल्ड कॉस्टिंग निकालना सिखा देंगे, थोड़ा उसमें से ज्योमेट्री और गणित की आपको नॉलेज की ज़रूरत रहेगी, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। तो ये मेरी ये नॉलेज शेयरिंग के बाद, मेरी ये अनुभव के बाद हो सकता है आपके काफ़ी सवालों का जवाब आ गया हो, नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेरे से और सवाल पूछिए ताकि मैं एक और वीडियो बना पाऊँ। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपकी कॉस्टिंग और आपकी साइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम पे और आपके कॉस्ट और बजट के अंदर फिनिश हो जाए। थैंक यू।